विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज आपके सामने पुनः लेकर आए हैं। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे की पॉइंट आपको मिलेंगे जिसकी आपको नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा। अगर आपने इसकी नोट्स तैयार कर ली, नोट्स अगर आपने बेहतर बना लिया, तो आपको सरकारी नौकरी से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको लगातार अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, शायद आपको भी दिख रहा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण, काफी यूनिक प्रश्न है जो आपके भर्ती परीक्षा में जहां से बार बार और प्राय प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, देखिए अगर इस प्रश्न की हम बात करें, आपतनी घाटी है, अविनती घाटी है, पूर्ववर्ती घाटी है, रिफ्ट घाटी है, तो इस प्रश्न को अगर हम लोगों ने लेक्चर के माध्यम से एक बार देख लिया था, इसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट घाटी के नाम से भी हम और आप इसे जानते हैं। तो चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या करते हैं इसके और प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने और आपने देखा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताएं, अमेरिका के दक्षिण में कैलिफोर्निया की मृतक घाटी है, जिसे डेथ वैली कहते हैं, वो एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और जब भ्रंश रेखाएं एक मध्य चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धस जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही और राइट आंसर होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, पुनः आपके निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीन है और एक नहीं है। तो जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में जाइएगा और कॉमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। देखिए हाँ, आज क्लास में थोड़ी सी देरी हुई, इसके लिए माफी, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था, काफी प्रयास करने के बाद नेट आपका चला है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए पंपास एक शीतोष घास का मैदान है। पंपास भी क्या है, शीतोष घास का मैदान है, वेल्ड है, डाउन्स है, समाना नहीं है। समाना क्या है, ये अफ्रीका का उष्ण है, ये क्या है अफ्रीका में है, कैसा उष्णकटिबंधीय है, कैसा है ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, ये कैसा है, ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, एक बात हो गया, दूसरी बात इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं, ये तो उष्णकटिबंधीय हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान से रहिएगा, अगर जो वेल्ड घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं, देखिए उष्ण यहाँ पे एक एक करके जान लीजिएगा, अफ्रीका का उस घास का मैदान समाना है, शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड्स कहलाते हैं, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में घास के मैदान को हम पंपास भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी, जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। जितने भी सभी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी साथी आइए इस बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रवाल विरंजक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सागरीय प्रदूषण होगा, सागर की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों में महामारियों का फैलना। तो इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की हम बात करें तो ये होगा सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि से होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया है वो इस प्रश्न का जो सही विकल्प आप अगर देखें तो क्या है, सी इसका राइट आंसर है, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए अंदर वाटर मार्क की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे जो वाटर मार्क पड़ा उसकी वजह से धुंधला दिख रहा है। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप जितने भी वीडियो को देख रहे हैं चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। हाँ, थोड़ा सा धुंधला इसलिए दिख रहा है कि अंदर वाटर मार्क के लिए भी दुर्गेश का लगा है, जहाँ पे निःशुल्क हम आपको पढ़ा रहे हैं गेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर आप जाने तो जो प्रवाल विरंजन है ये समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होती है। मतलब ओवरऑल प्रश्न का उत्तर सी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं। ये सौरमंडल का ये प्रश्न है और आपके परीक्षा में बहुतायत पूछा जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाइए और दिए गए प्रश्न का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, आप सभी लोग जितने भी साथी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं।
चलिए यहाँ पर अब हम लोग आपके साथ इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में गलत ना होने पाए। जल्दी से बताइए, देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने सही जवाब दिया है नक्षत्र, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नक्षत्र दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह है जो एक तल में स्थित है, तारामंडल या अथवा नक्षत्र। इन्हें हम तारामंडल भी कहते हैं, इन्हें हम तारामंडल भी कहते हैं। हो सकता है अगर आपकी परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप कहें सर हमें तो पता ही नहीं था या हम इस बारे में कोई बात नहीं जानते, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा पढ़ाया हुआ दोनों आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए इन सारी बातों का आपको हमेशा विशेष ध्यान देना है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए वाटर मार्क लगने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है अंदर, इलेनी में दुर्गेश का वाटर मार्क लगा हुआ है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित करता, ये प्रश्न हमने आपको इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपने पहला इसका पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। तो जितने भी साथी ना इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से फटाफट जाएं कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। ठीक है सभी लोग, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और एक नए अध्याय की तरफ अग्रसर होंगे। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ाया प्रश्न है। देखिए नक्षत्र यहाँ बेतार संचार की जब भी बात की जाती है तो आपका आयन मंडल होता है। सारी घटना कहाँ पे घटती है? आयन मंडल में घटती है। हमने पहले लेक्चर में इसके बताया था। देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है। आयन मंडल ऊंचाई देखा जाए तो लगभग 60 से 650 या 60 से 640 किलोमीटर के लगभग ही होता है, कहीं आपको 80 मिल जाता है किसी किसी किताबों में। और ये इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर होता है, फिर ई होता है, E2 होता है, F1 F2 होता है। तो ये इस तरह से विभाजित होता है। जैसे यहाँ पे सबसे नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डी लेयर मिलता है, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो E1 मिलेगा, फिर आपको E2 मिलेगा, F1 मिलेगा, F2 मिलेगा। इसी तरह परतों में क्या रहती हैं? विभाजित रहती हैं। ठीक है, और इसमें भी आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार, इन सभी के जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन सुविधा होती है सब इसी मंडल से होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही और राइट आंसर होगा वो आपका सी सही है। ठीक है, आप लोग जवाब दे दीजिएगा और जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाइए और सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी देरी से शुरू हुई इसलिए हो सकता है आपकी संख्या कम रहे, क्योंकि कुछ लोग चले गए होंगे इंटरनेट की वजह से, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई अचानक से बिन मौसम। देखिए सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर आप लोग सरकारी शिक्षक बनने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए अगर ये तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे लेंगे और सही जवाब भी देंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें। देखिए इसका सबसे सही उत्तर जो होगा वो महासागर होगा। क्या होगा? महासागर होगा। ठीक, मतलब महासागर पूरे अगर हम देखा जाए तो सबसे अस्थायी अगर परितंत्र कोई है तो ये महासागर ही है। ठीक है, क्या है? महासागर ही है। आइए इसके बारे में और अच्छे से हम लोग जानकारी लेते हैं और अच्छे से इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें, चाहे इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिए। जी हाँ, एकदम सही जवाब देना है आप लोग को, एकदम राइट आंसर देना है और अपना बेस्ट भी देते रहना है, क्योंकि रेस के जो घोड़े हैं वो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो
सबसे ज़्यादा अगर चीन में देखें तो लगभग 22% है। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 23.1% नियर अबाउट है। इंडोनेशिया की बात करें तो 51.7% नियर अबाउट है। जापान की बात करें तो 68.6% है। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो आप आसानी से इसे बता लेंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अब इसे तुरंत आसानी से बता लेंगे कि जी हाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा। तो जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर इस विकल्प में दे जो आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न के अगर विकल्प के माध्यम से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन आच्छादित कहाँ पे है, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए सर जापान में। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 23.1% है जो पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों को मिलाकर। क्लियर। चलिए अब और आगे चलते हैं कुछ और अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग कर सकते हैं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। अगला आपके सामने, निम्न में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशियम जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। आइए ध्यान से देखते हैं। एकदम आसानी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, अगर आप लगातार प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। उसे हम कहते हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। यार ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं फिर भी आप गलती कर रहे हैं, बताइए ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? देखिए विश्व के प्रमुख अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखा जाए तो यहाँ पर स्टेपीज होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जो प्रेरी है, अगर आप प्रेरीज की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? प्रेरीज यूएसए में है, कनाडा में है। कहाँ कहाँ है? यूएसए में, कनाडा में है। अगर हम पंपास की बात करें कि पंपास कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में है। यहाँ पर रट लीजिएगा, वैसे इसकी वीडियो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने आपको बताया है अर्जेंटीना। ठीक है, अगर हम वेल्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, अगर हम डाउन्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में यहां से एक प्रश्न फिक्स पूछा जाएगा। अगर हम स्टेपी की बात करें, स्टेपीज, तो ये है आपका चीन में है, ये है आपका रूस में है, मतलब कह सकते हैं कि यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो यहां पर हम इस प्रश्न का कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर से पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहां से ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिएगा, भली बात ही जान लीजिएगी कि जब यहां से प्रश्न आएंगे तो आपके परीक्षा में गलत होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद यहां से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। कोई मन में प्रश्न हो, कोई मन में सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। यहां से कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पास की तंत्र, अभी इसके बारे में बात किया। एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देना होगा, यहाँ पे देखिए वाटर मार्क लगा हुआ है लनी बुदुर्गे, इसलिए थोड़ा सा धुंधला आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग को देखना है, हम लोग को एक प्रश्न जानना है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो है आपका समुद्र। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अस्थायी परितंत्र का कोई उदाहरण है तो ये समुद्र है। और अगर जल की भाग देखा जाए तो 71% जल मंडल है।
समुद्र का विस्तार ज्यादा है, यही विशालतम पाथकीय तंत्र है पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? ये जीव विज्ञान का प्रश्न है, ये विश्व भूगोल का प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में आपके जब पूछ देता है तो बहुत ज्यादा लोगों का गलती हो जाता है। एक ट्रिक मैंने बताया है, आपको याद होगा, जैसे ये सभी आ जाए, ये दोनों आ जाए, ये जहां भी आए 80% ये सही होते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये दिमाग में रट लीजिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना पता रहे, अगर ये सभी, ये दोनों, अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए, आप आंख मून कर लगाएंगे, 80% आपका उत्तर सही होगा। अगर गलती हो रही है तब, मतलब फास्फोरेसेंस भी है, बायोलुमिनेंस भी है, अर्थात ए और बी दोनों यहां पर होगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करके बताएं। अब किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो फिर पूछ सकता है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वायुदाब सबसे कम कहां होता है, मोशन कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुदाब सबसे कम कहां पे होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सबसे कम कब होता है? जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जवाब दें। चलिए यहां पे ध्यान देते हैं। वायुदाब सबसे कम, आप लोगों ने जवाब जरूर दिया, या एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। एक ऐसी सीरीज चल रही है आपके लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपसे बार बार कहूंगा कि महाभारत सीरीज विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज है, और हम वही प्रश्न लेकर आए हैं जहां से आपके परीक्षा में सत प्रश्न आएंगे। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु में। कैसे? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो धरातल होता है ये गर्म होता है, इनके संपर्क में जो वायु आती है वो गर्म होने के बाद हल्की होकर सीधा ऊपर उठती है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर बनेगा। मेरी बात समझिए, जब पृथ्वी का जो ये धरातल है ये गर्म होगा गर्मी से, इसके संपर्क में जो हवा आएगी वो गर्म होगी, गर्म होने के बाद क्या होगी, ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी, इसी परिघटना को हम क्या कहेंगे कि ऊपर जा रहा है, माने सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इससे लो प्रेशर बनता है। तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही, और डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यार, लाइक का बटन दबा दीजिए, पैसा नहीं कटेगा आपका, लोगों तक पहुंचाइए। जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर आएंगे उस दिन मेरा मेहनत, मेरी मेहनत और आपकी साथ वास्तव में काबिले तारीफ होगी, आपके परिवार के लिए गर्व करने का विषय होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, बताइए। देखिए, यहां पे एक तरफ कुछ स्थान का नाम दिया गया, दूसरी तरफ हवाओं के नाम दिया गया है। ठीक है, तो विली विली कहां चलता है? आप कहेंगे सर विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, रट लीजिए, एक प्रश्न आपका तैयार। फिर हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे रटने वाले प्रश्न है, मतलब वो सिलेक्टेड प्रश्न है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है या सीरीज भूगोल के देख के जाइए, और परीक्षा में कोई भी प्रैक्टिस सेट अपल करेंगे, यकीन मानिए आपको बाहर से प्रश्न नहीं मिलेंगे। अब दूसरा टाइफून, टाइफून कहां कहते हैं? चीन में कहते हैं। बागियो कहां पे कहते हैं? तो फिलीपींस में कहते हैं। ठीक है, समझ में आप लोग को, जितने वीडियो को देख रहे हैं सबको क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? किसी के मन में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला, यहां पर बताइए कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर तीन है और एक नहीं है। यहां पर झीलों के नाम है, एक तरफ स्थान है। ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, घुमा घुमा कर।
देखिए मैं एक एक करके मिलान कराता हुआ चल रहा हूँ। जो ब्याब्लिक झील है ये डोमिनिका में है। फाइबर फ्लावर झील, जी हाँ, ये कहाँ पे है? ये मंगोलिया में नहीं है, ये चीन में है। चीन और मंगोलिया पर सटे हुए देश हैं। रेड लेगून बोलिविया, ग्रेट स्लेव कनाडा। तो जो वाइवलिंग झील है डोमिनिका में है, रेड लेगून बोलिविया में, ग्रेट स्लेव कनाडा में है, लेकिन जो फाइबर फ्लावर है ये चीन में। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा आपको। इसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, चाहे आप इसे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर कहीं भी देख रहे हैं, आपको पूरी तरह से HD में दिखाई देगा। तो बताइएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है किसे? बताइए जल्दी से, पर्ल ऑफ इसे किसे कहते हैं? वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताएं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, परीक्षा वाले प्रश्न है। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बैकाल झील इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर है। देखिए विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है ये, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और इसकी गहराई अगर देखा जाए तो 1637 मीटर लगभग गहरी है ये। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट कर लीजिएगा। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? यह कक्षा 12 के NCERT में आपको मिल जाएगी, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा, विश्व भूगोल कक्षा 12 की, भूगोल कक्षा 12 के NCERT में आपको यह प्रश्न मिला होगा। और यह ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताना होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि प्रकाश या कुछ भी खींचकर चला जाता है, कुछ भी बचता नहीं। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने इसे चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया था। वैसे भारत के भूगोल में भी पढ़ना पड़ता है, विश्व के भूगोल में भी पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर हमारे भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक बैरन है एक नारकोडम है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोडम की अगर हम बात करते हैं तो जो नारकोडम है वो एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसका पहला उद्गार कब हुआ था पता था? इसका जो पहला उद्गार हुआ था, अगर पूछ लिया जाए पहला उद्गार लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले, कभी कभी नहीं पूछेगा तो जानकारी के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। 1787 में, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा हो सके तो, बाकी आपकी इच्छा। ये दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला है आपके सामने, हमने जो सीरीज पढ़ा दिया आप इससे बाहर मत पढ़िएगा, इतनी तैयार करिएगा 2 से 3 बार सारे वीडियो लेक्चर को क्रम से देख लीजिएगा। बस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसके लिए मैंने कई बार कल की सीरीज में चर्चा किया था, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दिया था। मैंने बार बार पूछना चाहा था, लेकिन किसी लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। तो आप लोग जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए यहां पर कई बार मैंने कल इस पर चर्चा किया था, लेकिन लोग नहीं जवाब आ पाए। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा माउंट कोटापैक्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोटापैक्सी। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कहां पर? इक्वाडोर में है। ठीक, कहां पर है लिख लीजिएगा, कहां पे है? इक्वाडोर। इक्वाडोर एक क्या है? देश है। सभी लोग लिख लीजिएगा, यह कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन अगर सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो एकांकागुआ है, यह भी दक्षिण अमेरिका में है। अगर निष्क्रिय पूछ लिया जाए, एकांकागुआ है, वह भी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? कोई कमेंट करके बताए इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी देश है। ये हमने जो भी जितना चीज हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन जो क्लास में जो मैंने पढ़ाया है विश्व भूगोल, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आना है। ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ा दी है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कक्षा 7 के भूगोल के एनसीईआरटी सीरीज में भी है। जो चीजें नहीं वो नोट्स में होंगी। अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए इसमें कुछ आप लोग जानते हो, कुछ ज्वालामुखी आपने पहली बार सुना होगा। सबन कहना, ये पेरू में है। पेरू चिली ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र हैं, तटीय देश हैं। माउंट एटना, इसका नाम पूरा है माउंट एटना, ये इटली में है। कोलिमा ये मैक्सिको में है, चांदी वाले में। मेरापी इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पर मैंने आपका मिलान करा दिया, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें। कभी कभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हूबहू आपके प्रश्न के रूप में आ सकता है, और जब प्रश्न के रूप में आएगा हूबहू तब आप वहाँ से गलती कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे आपसे गलती ना होने पाए। चलिए चले हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं है ना? अगला, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये हमारा ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया 0 डिग्री। इसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये साउथन हेमिस्फीयर, माने उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। जी हाँ, अगली बार से वाटरमार्क नहीं लगेगा। ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखिए निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अरे यार, अब आप लोग देखिए यहां पे जो कालाहारी का मरुस्थल है ये कहां पर है? ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है। बोत्सवाना कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए होगा, मतलब ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। ठीक, कोई दिक्कत कोई सवाल हो मन में तो पूछ सकते हैं। कालाहारी इस प्रश्न का सही जवाब है, ये बोत्सवाना में है। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। गोबी मरुस्थल क्या विशेषता है? सहारा दुनिया सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी कहाँ पे है? यह है मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पे है। सहारा कितनी देश की सीमाओं को स्पर्श करता है बताइएगा? सहारा मरुस्थल विश्व की कितनी देश की सीमाओं को स्पर्श करता है? अगला है, कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न एक नया तरीके से आया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हर घर में सिलेक्शन का दीप जलना चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग।
देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने सही बताया है, मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के मन्नार की खाड़ी में है। द्वीपों पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्र, इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1986 में हुआ है। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के पास क्या है? रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जिले के पास है मन्नार की खाड़ी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें खाड़ी कितनी थी पहले? 21 खाड़ी थी, अब कितनी हो गई? 19 खाड़ी हो गई है। अब पहले चाहे तो इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लें, अगर जानकारी आपको नहीं मिलती तो नई जानकारी आपको मिल रही है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम कर लेंगे, सारी क्लास की लिंक आपको वहाँ पे डेली की डेली मिल जाएगी, पूरे दिन क्लास चलती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे जो उपग्रह है, हमारे उपग्रह कह दिया जाए या तो चांद होगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न को लिख दीजिए हमारे ग्रह, काट कर यहाँ पे बना लीजिएगा। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये एक ऐसा प्रश्न है, एक पूछा जाए कि पृथ्वी पर मृदु जल, पीने योग्य जल सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों में अस्थाई हिम के रूप में है। जी हाँ, किस रूप में है? हिम के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी सीरीज में विश्व भूगोल के, इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आप उस बात का विश्वास नहीं हो, पूरी सीरीज पढ़ने के बाद किसी भी परीक्षा जो आपका है पेपर हल करेंगे, सारे प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, ये गागर में सागर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यह वीडियो चाहे फेसबुक पे देखें चाहे यूट्यूब पर देखें, लेकिन लोगों तक पहुंचाइएगा। बस मत सब्सक्राइब करिए चैनल को, लेकिन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, मदद करिए लोगों की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील लेक सुपीरियर, एक प्रश्न आपका तैयार। विश्व का सबसे ऊंचा वाम मग्ग झील टिटकाका झील, एकदम सही जवाब। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील, लेकिन विश्व के सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो टुगला जलप्रपात नहीं है। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। जी हाँ, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, एंजिल जल प्रपात है। माने जो गलत है वही सही है। सोचिए इस प्रश्न में चार प्रश्न का उत्तर तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा कॉपी कोई बात नहीं है, अरे लिख लीजिए मालिक, लिख लेंगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको बाद में हमेशा काम आएगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, लिखते चलिए, सभी लोग ध्यान से इसको नोट डाउन करते चलिए, सभी लोग सोचिए इसमें जो प्रश्न बनाया है उसमें कितना आपके लिए चतुराई दिखाया गया, ताकि एक प्रश्न से आपके चार चार प्रश्न तैयार हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगला आपके सामने प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में कौन सी विश्व की सबसे प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? ये किस में सबसे बड़ी विशेषता है? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है, जिससे हम बैकाल झील कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकाल झील। लगभग 1637 मीटर ये क्या था? गहरा था। ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, याद है आप लोग को? जी हाँ, अगर कभी फीट में पूछ दिया जाए तो 5369 फीट है। क्लियर, सबसे गहरी झील है, गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील है ये। स्क्रीनशॉट चाहे तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी।
वायुमंडल में पृथ्वी के धरातल बढ़ते हुए उपक्रम अवस्थिति के अनुसार पर बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए किसे कौन सा क्या क्या कहते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं हम लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हो ना, देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल ये है पृथ्वी पे, देखा जाए तो लगभग यह 18 किलोमीटर तक है। कहाँ से अगर समुद्र तल को माना जाए तो यह 0 से 18 किलोमीटर है। उसके बाद समताप मंडल आता है। अगर हम समताप मंडल की बात करें तो ये आपका 18 क्या 20 से 50, दो आगे बताएंगे क्यों 20 हमने लिखा, ये 20 से 50 किमी है। उसके बाद मध्य मंडल आता है, ये 50 से लगभग 80 किलोमीटर आता है, ठीक है। फिर तापीय मंडल, अगर हम देखें कि तो तापीय मंडल, ताप मंडल किसे कहते हैं। इसके बाद ये मध्य मंडल हो गया, फिर ओजोन मंडल, आपका आयन मंडल आता है, इसके बाद आयन मंडल, ये 80 से 640। फिर बाह्य मंडल आता है, बाह्य मंडल ये 640 के बाद बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे क्षोभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद बाह्य मंडल, तापीय मंडल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। तो कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। क्लियर, क्या अभी भी किसी के मन में कोई डाउट, क्या अभी भी किसी के मन में कोई सवाल, क्या अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। निम्न में कौन सा जलवायु परिवर्तन खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, प्रश्न में नहीं जरूर है, ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं वाला जो प्रश्न है वो हमारे सीरीज में सबसे ज्यादा होता है। अब ये मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि सिलेक्शन का यही आपका बेसिक पॉइंट है, ठीक है, ये सिलेक्शन का सबसे एकदम बेसिक पॉइंट है। बताइए क्या होगा, सभी लोग देखिए, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कक्षीय मार्ग है, सही बात। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिरक्यता है, झुकाव है, जी हाँ 23 सही, 1/2 डिग्री है, सही है। विषु आयन पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति है, जी हाँ ये भी सही है। सौर किरणगित ऊर्जा सौर विकिरण, जी नहीं ये गलत है, मतलब सौर किरणित ऊर्जा इसमें संबंधित नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन खगोलीय सिद्धांत संबंधित नहीं है, माने इससे जलवायु परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे पहले ही पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी औषध शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, यार एकदम आसान है, सबसे कम कहां पर होगा,
जहाँ पे बर्फ पड़ी होगी, जहाँ पे बर्फ ज्यादा गिर रहा होगा वहीं पे होगा ना। अब जहाँ बर्फ होगा वहाँ पे कहाँ से उत्पादन होगा? सबसे ज्यादा जहाँ पे होगा बारिश जहाँ पे होगी, जहाँ पे हवा ज्यादा मिलेगी वहाँ पे ज्यादा होगा ना, जहाँ पे सूर्य का ताप समुचित मिलेगा। मतलब जहाँ पे शीतोष कड़बंदी घास के मैदान होंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वहाँ पे सबसे कम होगी। मतलब यही आपका सही है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? मेरी बात समझिए, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि भूगोल एक सोच है, एक समझ है, ये पूरी तरह से एक साइंस का सब्जेक्ट होता है। हम चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब मत करिए लेकिन लोगों तक पहुंचाइए, कर भला तो हो भला। पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है, पृथ्वी की धुरी सदा झुकी रहती है कितना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग फटाफट, देखिए इतना आसान सा प्रश्न है, अब ये मत कहिएगा ये आपको नहीं पता था, एकदम हलुआ वाला प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एकदम हलुआ। अरे भैया 23 सही 1/2 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 23 सही 23.5 डिग्री, इसे ये भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, ये भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे तीनों लिखने का तरीका जान लीजिएगा, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है, ये तीनों तरीका आप सीख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कब कौन सा आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों बातें आप लोग जानते रहिएगा ताकि आपको परीक्षा में बेहतर हो। किसी को दिक्कत? ये सबका सही बा, ठीक बा, सब पर सही बा ना। चलो अगले प्रश्न पे, ये बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है, किसका? बिग बैंग थ्योरी। बताइए बिग बैंग थ्योरी किसकी व्याख्या करता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एनसीईआरटी में है, और हमने आपसे पहले कहा कि हम लोग पूरी तथ्य को एनसीईआरटी में ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में ही निचोड़ रहे हैं। लगा दीजिए अपना बेस्ट, जब तक मेहनत करी, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, आप चुन चुन कर प्रश्न लाए गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का, जहां से आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न आएंगे। रट लीजिए, यहां पर बताइए ये ब्रह्मांड की ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस, जी हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। इस सिद्धांत को कौन लाया था? जॉर्ज लेमेंटर ने लाए थे। कौन? जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिल जाता है लेमेंटेयर, देखिए अलग अलग मिलता है। कब ये थियरी आई थी? 1894 से 96 में। ठीक है, ये आकाशगंगा सौरमंडल पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है, ओरिजिन ऑफ द कॉस्मोस की बात करता है, ये शीर्ष प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां पर अगला है आपके सामने, झीलों को सही अवरोही क्रम में दिखाइए। देखिए अवरोही क्रम का मतलब ये होता है घटते हुए क्रम में, तो जल्दी से घटते हुए क्रम में आपको सजा देना है। जी हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए पहले तो ग्रेट बैरियर जो है ये कहाँ पर है? ये कनाडा में है। ये कहाँ पर है? कनाडा में है। बैकाल कहाँ पे है? रूस में है। बैकाल कहाँ पे है? रूस में है। ठीक है, विक्टोरिया कहाँ पे है? ये युगांडा केन्या तंजानिया, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ये युगांडा केन्या तंजानिया के बॉर्डर पर है, मतलब इन तीनों देशों में मिलाकर फैला है। लेक सुपीरियर ये यूएसए और कनाडा, ये तो हो गया, ये कहाँ कहाँ है। अब ये पूछ रहा है क्षेत्रफल के मामले में, ग्रेट बैरियर का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 31,153 किलोमीटर स्क्वायर है। बैकाल झील 31,500 किलोमीटर स्क्वायर रूस में है। विक्टोरिया की बात की जाए तो ये भैया 69,485, ये नियर अबाउट एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये 82,100 किमी स्क्वायर। अब आपको क्रम में सजाना है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने विकल्प है, आपके सामने व्याख्या है, यहां से भविष्य में प्रश्न गलत मत करिएगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाना है। क्या आपको समझ में आ गया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। कल क्लास में रहेंगे आप लोग, कल की क्लास आपकी और जानदार होगी, और भी महत्वपूर्ण होगी, एक नई चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो गई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए यहाँ पर घास के मैदान द्वीप को मिलाना है, इसी के साथ आज आपकी जो क्लास है वो समाप्त हो रही है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन क्लास है, नोट संबंध में कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है। बताइए जल्दी से फटाफट कॉमेंट करके, लानोज, अगर हम लानोज की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपी कई बार अभी हम लोगों ने पढ़ा, यूरोप, प्रेरिज कई बार हम लोगों ने पढ़ा, उत्तरी अमेरिका, बेल्ट कई बार आपने पढ़ा, अफ्रीका, बस इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेली क्लास के लिए, सभी क्लास के लिए, अभी तक अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, सबसे पहला काम टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो उस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आप कहें तो हम पूछ लेते हैं, अगर आप कहें तो भाई पूछेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं पूछेंगे। चलिए एक छोटा सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। जल्दी आप लोग को मानचित्र की सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, जल्दी आपके लिए मानचित्र की सीरीज आ रही है, लेकिन आप सबसे पहले बताएं कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। क्या आप लोग अगली क्लास में रहेंगे, तो चलिए तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।